ये तो खाली अभी थ्योरी थी ना। अब वो पैकेजिंग आपको क्या करना है कि उसमें कोई तस्वीर है या कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ होने हैं या कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में करते हैं। अगर वो वेक्टर है, वेक्टर से मतलब ये है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो आप किस पे करेंगे 100% आप इसको करेंगे किस पे, इलस्ट्रेटर पे करेंगे, ठीक है। मगर अगर जो है वो बॉक्स कुछ इस तरह का है जिसमें ये तस्वीर आपको ऐड करनी है, ये इस तरह ग्रेडियंट है या कुछ और भी कुछ इसमें और पूरी पूरी तस्वीर भी जो है ना वो होती हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा फ़ोटोशॉप। लॉजिक समझ गए ना मेरी? तस्वीर तो एग्जैक्टली वो नहीं मिल रही, मगर ये इस तरह की चीज़ है। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ की पैकेजिंग का अलग टेम्पलेट होता है। ये पैटर्न बनना है तो ये किस पे बनेगा? इलस्ट्रेटर पे बनेगा। आप बना भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, आपको पता है कि फ्री पिक से आप जो है ना वो या वैसे कुछ कर सकते हैं। जैसे हम बेसिक सी चीज़ पे काम करते हैं, जैसे अगर हम कोई एक बॉक्स देख लेते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? बॉक्स होती है। सिर्फ उसकी गाइडलाइन अगर आप समझ लें तो आपको लॉजिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन आ रही है, आ रहा है नज़र, वो क्या होगा? फोल्ड होगा। जहाँ पे भी सॉलिड लाइन आ रही है वो कट होगा, ठीक है। या जहाँ पे भी हल्की लाइनें आ रही हैं वो फोल्ड होगा, जहाँ डार्क लाइनें आ रही हैं वो कट होगा, सही। मेजरमेंट से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि ये कितना है, 15। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15 फिट क्या है? इंच, ठीक। तो यहाँ पे इंच में भी यूनिट होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, और अगर पैकेजिंग छोटी हो तो मिलीमीटर में भी होता है, मगर जनरली इंचेज में होता है, क्योंकि जाहिर है बॉक्स छोटे बड़े हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाई लाइन। डाई लाइन क्या होती है कि बाकायदा एक समझ लीजिए कि एक कटिंग की लाइन होती है। कटिंग की लाइन इस तरह से कह लीजिए उसको कि एक बोर्ड के ऊपर कटर जो है ना वो बना के लगा देते हैं ताकि उससे कट कर सकें किसी भी फ्लैट इमेज को। आपको इसका भी इमेज भी दिखा देता हूँ। खैर, तो उससे क्या होता है कि जिस तरह स्टेंसिल होता है ना, उस तरह का ब्लेड जो है ना वो बना के लगा देते हैं, उसके बाद सीधा पेपर जाता है और उसके ऊपर वो जैसे ही वो प्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली जिस शेप की डाई बनी हुई होती है उस शेप की डाई से वो कट हो जाती है, ठीक है। बनाया हुआ क्या होता है? बनाया हुआ कुछ इस तरह का होता है। सपोज़ कर लें आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, किसके मदद से? डाई लाइन की मदद से। अब वो डाई लाइन कहाँ से मिलेगी आपको? डाई लाइन आपको बनी बनाई मिलेगी, ठीक, क्योंकि ये जाहिर है हम खुद से नहीं प्रिंट कर रहे, जहाँ से ये प्रिंट होना है वो उस पैकेजिंग के हिसाब से आपको डाई लाइन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये वाली लाइनें आपको मिलेंगी। आपको इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिज़ाइन करना है। सिर्फ समझने की बात ये होती है इसमें कि कहाँ पे टर्न आ रहा है और कहाँ पे कट आ रहा है। ये सॉलिड लाइन है ये कट के लिए है और जो डॉटेड लाइन है ये फोल्ड के लिए, ठीक है। और ये वाले क्या हैं? ये क्रॉप मार्क है। ये देखें, यहाँ से कट होगा ऐसे, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से कट होगा ऐसे,
इसके बाद ये जो है डाई की लाइन है, इसके हिसाब से कट हो जाएगा। ये लाइन नहीं लगानी है आपको, आखिर में ये क्या होगा, ये लाइन वाले जो लेयर होगी ये ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ आपका जो आर्ट वर्क रह जाएगा वो ये वाला रह जाएगा, ठीक सर ये ऊपर डिजाइन क्यों हुआ था? है? ये बताओ। एक सेकेंड बता रहा हूँ। लेकिन सपोज कर लें क्लाइंट ने हमें ये वाली डाई लाइन दी कि भाई इसके हिसाब से आपको डिज़ाइनिंग करनी है। हमने क्या किया, ये वाली लेयर रखी, वाइट कलर रखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो वाइट कलर आप डिलीट कर दें, रख भी लें तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है, इसलिए कि हम जैसे ही ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं वैसे ही क्या होता है कि वो वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा। इस लेयर को नीचे रखा, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी, वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा। ये आपको पता चल गया कि अच्छा इस लाइन से बाहर जो कुछ होगा वो कट हो जाएगा। तो आपको जो डिज़ाइनिंग करनी है वो इसके हिसाब से करनी है, बस ये ज़रा ख्याल रखना है आपको कि ये पता रहे आपको कि ये टॉप का पोर्शन कौन सा है, बॉटम का कौन सा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि उसके हिसाब से आपको रोटेट भी करना पड़ता है कभी, क्योंकि जैसे ये देखें ये वाला हो सकता है कि ये उस तरफ हो, तो आपको इसका फेस या टेक्स जो है वो कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रखेंगे, इसका टेक्स आपको घुमा के लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये इसका टॉप का हिस्सा है तो हम ये रखेंगे, ये करेंगे कि इसको रोटेट करेंगे, सॉरी इसको रोटेट करेंगे। अब ये मेरे पास लेयर एक साथ ही हैं, इसके अलग अलग लेयर नहीं हैं, मगर वैसे क्या होगा कि लेयर अलग अलग होंगी तो आपके पास आसानी ये रहेगी कि आपने इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब मैं इसको छोटा नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटा करूँगा सब कुछ छोटा हो जाएगा, वरना आप टेक्स्ट को छोटा करके इस वाले एरिया के अंदर रख देंगे। अब जैसे ये देखें ओ का ये वाला हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, ये कट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आप इस वाले इमेज में देखें, इस वाले इमेज में देखें सब चीज़ें तकरीबन जो हैं वो क्या हैं कि इसके अंदर अंदर जो है ना वो प्लेस हुई है। देखें ये वाला जो है क्या होगा, ये अगर बॉटम पे आ रहा है तो ये इस तरह रोटेट हो के आया हुआ है, ठीक, ये इस तरह पूरा आ जाएगा। ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा था, ये वो वाइट वाला प्रॉब्लम समझ में आया, किसको प्रॉब्लम आ रहा था उसका वाइट। फिर ये क्या होगा, ऊपर वाइट लेयर बंद कर देंगे और बंद करने के बाद ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट होने के बाद कट जाएगा और कट होने के बाद ये फाइनल जो है ना फोल्ड कर लिया जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, कर सकते हैं वो ये कि इस वाले टेम्पलेट को ज़रा कस्टमाइज कर लें, जैसे मैजिक बैंड टूल से मैंने इस पर क्लिक किया, बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो बाहर वाला एरिया डिलीट हो गया। अब बेनिफिट ये है कि अगर मुझे कुछ एरिया की सिलेक्शन करनी है, लेट से कि मुझे फ्रंट की सिलेक्शन करनी है ताकि मैं नई लेयर पे काम कर सकूँ या कुछ, तो मुझे सिंपली इस वाले एरिया में जैसे क्लिक करूँगा ये वाला एरिया ही सिलेक्ट होगा। एक बार अगर आप चाह रहे हैं कि जी ठीक है ये वाला एरिया पिक हो जाए, ये वाला एरिया पिक हो जाए, या ये वाले सारे एरिया पिक हो जाएँ, सारे एरिया पिक हो सकते हैं, ज़्यादा हो गया है तो इसको ऑल्टर दबा के रिमूव कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्पेस हो गया है कि बीच में यहाँ से गैप है, चाहे तो ब्रश टूल से इसको गैप को फिल कर दें ताकि आसानी हो जाए। एक और तरीका जो मैंने देखा लोग कर रहे हैं वो ये है कि इस वाले टूल से एक एक को सिलेक्ट करें, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक, उसके बजाय आप ये करें कि अगर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है या आपने अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, तो अगर ये वाली लेयर है और कंट्रोल दबा के आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कलर कर दूं तो देखें ये पूरा कलर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपने ये किया हुआ है कि
अलग अलग हिस्सों में उसको ब्रेक किया हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आप कंट्रोल दबाए क्लिक करेंगे वो एरिया पिक हो जाएगा। एक और अच्छा तरीका ये है कि आप बैकग्राउंड वाली लेयर पे कोई सा भी एक बेसिक कलर जो है वो अप्लाई कर दें, समझ लें ऐसे ऑफ वाइट कलर। ठीक, अब ऑफ वाइट कलर आ गया ऊपर मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, ये वाली लेयर तो रहनी नहीं है, डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ला के रख दूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ब्लैक कलर की इमेज आ रही है या उसमें कोई और कलर का इमेज आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर रखा है, तो अगर किसी का मरून कलर है तो वो मरून कलर की बैकग्राउंड रख लें, ताकि जब आप अपना आर्ट वर्क लेके आएँ तो आपके वाले आर्ट वर्क में और बैकग्राउंड में कोई फ़र्क ना बचे। जैसे मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बैकग्राउंड कलर अगर उसी कलर का रखेंगे तो वो फ़र्क महसूस नहीं होगा आपको।